हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई उठ गया हूँ मैं, अभी उठ के सीधा जा रहा हूँ स्विमिंग पूल, क्योंकि हमने होटल का स्विमिंग पूल अभी तक यूज़ ही नहीं किया, नहा ही नहीं उसमें यार। तो चलो उसमें डुबकी लगाते हैं, उसके बाद बात बात करते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे तो अभी इतनी ठंड लग रही है, रात को बारिश हो रही थी, अंदर एसी एसी है भाई। पूल में पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा तो फ्रिज में भी है। पहुँच गए हैं पूल में, अभी पहले इसमें डालता हूँ मैं, तब अंदर कूदूंगा पूल के। अभी आज कोई नहीं है और धूप भी अच्छी है, ठीक है चलो कूद जाते हैं। ये 4 फीट ही है ना भैया? चार फीट है, है। थोड़ा ज़्यादा 4 फीट है, मतलब मैं डूबूंगा नहीं। चलो भाई पानी तो गर्म है यार, सही रहेगा। ये कवर इसलिए लेके आओ, मेरे को अंडर वाटर करना है, बहुत टाइम से अंडर वाटर नहीं किया भाई। गोगल आ चुकी है, आप इसको दबाओ और बस अंदर घुस जाओ। अब भी अंडर वाटर दबा के चलो भाई, चलते हैं अब बनाइए वीडियो। बस नहा लिए जितना नहाना स्विमिंग पूल में, डुबकियाँ मार मार के अब निकलते हैं यहाँ से, इसी हालत में चलते हैं। ऊपर से तो मैं सूखा सूखा हूँ, नीचे से वही गीला गीला। तो चलो चलते हैं, आज घर पे ही थे तो इसलिए सोचा कि स्विमिंग पूल में कूद ले। वैसे निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। मैं आ गया था रूम में और रेडी हो गया हूँ, खाना पीना भी हो गया मेरा, तो चलो अब निकलते हैं। आज हम इतनी लेट निकल रहे हैं 3 बजे, क्योंकि 2-2.5 घंटे तो स्विमिंग पूल से नहीं निकले थे हम बाहर। बस अभी पहुँचे हैं अलसिफ में, वही जो पुरानी दुबई है वहाँ पे। हमारा ना एक परफ्यूम है वो थोड़ा सा लीक हो रहा था, रखा ही ना गिर रहा है। मैंने कहा यार इनको बोल देते हैं कि भाई ये जो बॉटल है यही चेंज कर दो, तो देखो अगर करते हैं तो बात करते हैं जाके। आ ही गए हैं भैया, बाहर ही बैठे थे, मैं कहा चलो दिखा देते हैं, लीक हो रही थी बॉटल। तो अब यहीं से होगा, भी नहीं होगा देख। हाँ ठीक है, अब सही हो गया, अब सही हो गया। मतलब टाइट कम था भैया ने, ये दूसरी वाली नहीं लगा दी है, ये वाला निकाल दिया, ये कह रहे इस बोतल का दूसरे वाला नया लगा दिया। हाँ उल्टा करो मुश्किल। हाँ बस धन्यवाद भैया, बहुत दिनों बाद आइसक्रीम खाता हूँ, खाई नहीं है काफ़ी टाइम हो गया, अभी लेते हैं आइसक्रीम। ओ ये रही आइसक्रीम भाई साहब, भैया 1 आइसक्रीम ले लिए, अब ये खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। बहुत दिनों बाद लिए मैंने आइसक्रीम। तो आ गए हैं हम अभी अलसिफ से, वो जो पुरानी दुबई है उधर से सीधा दुबई मॉल। यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे भी बहुत टाइम बाद आए हैं यार, यहाँ पे निकलते हैं ऊपर। इस मॉल में जितनी बार आते हैं ना समझ नहीं आता एंट्री कहाँ से की, इस बार फिर यार कुछ अलग ही हो गया, अलग ही जगह से एंट्री की है। ये ठीक लग रहा है मेरे को अभी, ये अच्छा लग रहा है। बाकी एक बार और हम ट्राई करेंगे फिर देखते हैं। ये है स्कल कैंडी, ये आखिरकार मैं ले ही रहा हूँ, एक रिस्क लिया। ये स्कल कैंडी क्रशर का बड़ी झाबड़ आवाज थी, इसके जो छोटे वाले वर्जन थे ये मैंने ट्राई नहीं किया, बस एक रिस्क ले लिया लेने का। बाकी देखते हैं अभी आवाज़ कैसी आती है इसकी। रिस्क है तो इश्क है, ये लेके जा रहा हूँ, ट्राई नहीं किया अभी, बट स्कल कैंडी है और ऊपर से क्रशर है, होगा तो झाबड़ ताबड़ तोड़ होगा ये, तो इसलिए कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। अब खोल के फिर देखते हैं क्या होता है ये, कह रहे लेने के बाद आप क्या है फिर, इंडिया में नहीं मिलता ना यार। तो देख अब भाई इसको खोलेंगे घर जाके, यहाँ पे नहीं खोलेंगे, घर जाके आपको मैं दिखाऊंगा कैसा है ये, क्या आवाज़ है, ठीक है घर जाके बताते हैं क्रशर की कैसी आवाज़ है। बॉस से, JBL से, एप्पल से, फादर ऑफ स्पीकर है यार ये, मतलब हेडफोन से। दिखाता हूँ घर जाके कैसा है, इसके पीछे कितने दिन मैं घूम घूम के पागल हो गया, कभी कहीं जाता था कभी कहीं जाता था, अभी एट लास्ट मिल ही गया। यहाँ पे घूम रहा था, घूमते घूमते ना मैं एक जगह चेक करने चला गया, मतलब कि एक लोअर टेस्ट करने चला गया, मैं जैसे ही ऐसे हुआ ना यार मेरी पैंट फट गई, तुम्हें तो ये दिख रही है भाई, लेकिन मैं बस आगे ऐसे रख के चल रहा हूँ इसको,
भाई चलता रहने तो कोई बात नहीं, इतना दिख नहीं रहा वैसे, फटी फटी है पैंट, कोई बात नहीं, कुछ नहीं पता लग रहा, चलने दो। भूख लग रही है, मैं आ गया हूँ बीकानेर पे खाने के लिए अपना, यहाँ से खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। मैं रोज़ ही यहीं खाता हूँ, जब भी किसी मॉल पे जाता हूँ तो बीकानेर पर रुक के खा जाता हूँ विदाउट अनियन गार्लिक, अच्छा मिल जाता है। भाई आज फिर भूल गया था गाड़ी कहाँ खड़ी है, आज दोबारा से आधा घंटा वेस्ट हो गया, अब जाके मिला कि कहाँ खड़ी थी गाड़ी। बस अभी पहुंचा हूं घर पे चेंज करके और फिर ओपन करते हैं स्कल कैंडी, ठीक है चलो फटाफट आ गया स्कल कैंडी। फुल वॉल्यूम है, फील देखते हैं। सिरा है यार सिरा, भाई रोक दिया मैंने, बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा लगा मुझे यार ये, मतलब बेस अलग ही चल रही है इसकी। चलो यार स्कल कैंडी आ गया है, अब अच्छे से एडिट भी करूँगा भाई, जैसे कोई मूवी देखनी है, सॉन्ग सुनना है, एक्सरसाइज करनी है, मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ, अभी तक अगर आप यहाँ तक पहुँच गए मेरा ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।